अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आजकल मैं बहुत लेज़ी हुई हूँ, लेज़ी तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कि काम वीडियोस बनाने में टाइम लगा देती हूँ, ब्लॉग बना ही नहीं पाती है। अभी मैं आई ऊपर, 2 बज के क्या टाइम हुआ है, 2:42 हुए हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी। तो ये देखें, मेरे उस दिन ना ये चारबंड के केक्स बनाए थे, चारकोल जो मेरा टेक्सचर है ना उसके केक्स बना के गई थी। ये परसों की शेप्स बनी हुई हैं, मैं चेक कर लूँ कि ये उठाने के काबिल हैं। यहाँ उठा सकती हूँ मैं इनको, तो इनको मैं भी उठा के ना कोशिश करूँगी कि उधर रख दूँ इस जगह पे, क्योंकि मुझे ना ज़मीन पे शेप्स पड़ी रहे ना मुझे बड़ी इरीटेशन होती है। उस दिन जब मैंने ये क्या कहते हैं चंक्स निकाले थे ना, जब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था लेकिन मैं वीडियो तो बना के गई थी दो, तो जब मैंने ये चंक्स निकाले थे ना तो मैंने कहा कि अगर मैं व्लॉग बना रही होती तो मे बी मैं इसके अंदर इनको डैम क्रम्बल कर देती। तो मैंने इनको क्रम्बल नहीं किया, मैंने इनको फिर ना ऐसे ही रख के चले गई थी। मैंने कहा कि चलो जब थोड़े बहुत अगले दिन जब व्लॉग बनाऊंगी ना तो जाके इसको डैम भी क्रम्बलिंग कर दूंगी, बट मैं नहीं बना सकी कल भी व्लॉग, तो इससे 2 दिन जो थे ना मेरे ऐसे ही गुजर गए। अच्छा, तो अब क्या मैं करने लगी थी कि देखिए ज़रा शेप्स की शक्ल, रेड ग्रिटी की शक्ल देखें, मतलब कि बहुत कोजी शक्लें हुई हैं इनकी, टेक्सचर्स इन टेक्सचर्स की। मुझे इस बार भी ना अपनी ये रेड ग्रिटी सिलेंडर्स की वीडियो बना के चली गई थी, आज ना इसको क्रश कर ही दूँ ये जो सीमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं ब्लॉग को ट्राईपोड, मोबाइल को ट्राईपोड पर लगाती हूँ और फिर इसको क्रश करते हैं। अच्छा, जो बाकी सीमेंट के चंक्स पड़े हुए थे ना, मैंने अभी 2 वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे फ़ौरन ही मैंने स्टार्ट किया उस टाइम इसको क्रश करना। मैंने कहा कि पहले मैं ना ये देखिए ज़रा ज़मीन गंदी थी ना, उस पर टेक्स्चर तो लग गया कलर। ये देखिए मैंने ना सीमेंट जो था ना बाकी का जो था उसको क्रश करने के लिए उठाया रखा हुआ था। मैंने कहा मैं इसकी क्रशिंग करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ, ठीक है, क्योंकि अभी ना ये बहुत ज़्यादा ही देखे। मैं पहले इसकी हाथ से तोड़ लेती हूँ। चेक करें, क्रश करते हैं।
थोड़ी सी लग रहा है कि कितना सॉफ्ट है, लेकिन देखिए यकीन करिए बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है। जगह चेंज करते अभी मैंने इसको बस इतना क्रश किया है, और जब ये सही से क्रश हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी इसको क्रश कर लूँ क्योंकि फिर ना अजाने शुरू होने वाली हैं, तो मैं चाह रही हूँ इसको जल्दी से क्रश कर लूँ। Thank you.
फिनिशिंग की वजह से ना पूरी टेक्सचर की ना वीडियो शेप ना ऐसे मैं बैठी हुई थी। आज तो मैं इसको क्रश करते दिखा रही हूँ इंशाल्लाह, जब ये सही सारा क्रश हो जाएगा ना तो मैं इसकी आपको शेप सुनाने वाला ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। सही है, ये फॉर्म से इकट्ठा करते हैं। चलो मैं इसको एकदम अच्छे से क्रश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ शिफ्ट करते हुए। चलो इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा इस जगह बैठ जाओ। चलो जी ये मैंने इतना पाउडर बना लिया, मैं इसको रख देती हूँ और ब्लॉग को इधर ही एंड कर रही हूँ जो क्रशिंग ब्लॉग था, ठीक है, क्योंकि अजानें शुरू होने वाली हैं, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती है। अगर करना होता तो मैं अभी उस कुछ टेक्सचर की क्रमलिंग कर देती, लेकिन अजानें होने वाली और अंधेरा बिल्कुल है, बादल भी कुछ छाए हुए हैं, इस वजह से ना कुछ रिज़ल्ट जो है ना वो पता नहीं किस तरह का आ रहा है। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह कल, ये बस आपके साथ शेयर करना था क्रशिंग पार्ट इसका। तो मैंने सोचा कि आपसे कहा हुआ था तो कर देती हूँ शेयर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त से ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।